स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की पावर n अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो पहले आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बताते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, नेचुरल नंबर्स देन वन स्टार्टिंग पॉइंट्स, एंड नेचुरल नंबर्स जितने होते हैं सारे एक से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो ये बोला गया है 6 की पावर n, हमने n प्राकृतिक संख्या लेता हूं, हल करिएगा, प्राकृतिक संख्या n, 1 लेता हूं, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से ये नंबर्स डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बोला यह जा रहा है कि 6 के पावर n, 6 के पावर n इजकल टू 0, मतलब इसका अंक जो हो वो 0 पे समाप्त हो, यानी बस कोई सा भी नंबर्स इसके सामने हो सकता है और वो 0 पे समाप्त हो। तो n वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं इसको, 6 के पावर 1, तो कितना आएगा, 6 आया, ठीक है। और 2 रख के देखा हमने, तो 2 रखा तो कितना आया, 36 आ गया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, एंड 6 का क्यूब रखा हमने, 216 आया, 6 का क्यूब होता है 216। एंड इससे यह सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा जीरो है, क्वेश्चंस के अनुसार जो जीरो है उस पॉइंट पे हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं हो रहा है, इसमें 6 पे हो रहा है, इसमें भी 6 पे, इसमें भी 6 पे। तो आप कह सकते हैं कि दिया गया वैल्यू n पर n की जो वैल्यू है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चंस सॉल्व होता है, आप इसको नोट करिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है या फिर नहीं, आपको ये बताना है। तो भाज्य संख्या कंडीशंस जान लीजिए क्या होता है, वे नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे सारे नंबर्स भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फोर सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 ही होती है, इसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको 3 से और इसको 4 से, मतलब इसके 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर है, तो आप इससे कह सकते हैं कि यह हमारी भाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है, ठीक है। ये प्रथम पद है और ये आपका सेकंड पद है, तो प्रथम पद इजिकल टू 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पद को अटेंड करते हैं, तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है दोनों में से, तो 13 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 7 × 11 + 1, अब क्या करेंगे आप, 13 इसको इंटू कराएंगे 77 प्लस 11 का एंड 11 का साथ में गुणा कराएंगे तो 77 आएगा, ठीक है, और प्लस 1 तो 13 और इसको आप क्या करेंगे, 77 × 78 कितना जाएगा, 78। अब इसका इकाई का अंक से आप पता कर लीजिए कि यह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, जैसे आप इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 कितना होता है, 24। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये पहली संख्या हमारी क्या है, भाज्य है। अब दूसरी संख्या निकाल के देखते हैं, दूसरी संख्या क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1
इंटू वन प्लस फाइव, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपको सेकेंड वाले पद में फाइव कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फाइव कॉमन दिख रहा है। तो फाइव कॉमन दिख रहा है तो फाइव आप क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो फाइव बाहर लेंगे तो इसमें से बचे नंबर्स क्या है, सेवन बचा है, सिक्स बचा है और फोर बचा है, थ्री बचा है, टू और वन प्लस वन, ठीक है। ये नंबर्स आपके पास बचे हैं तो ये फाइव रन दीजिए आप। पहले आप किसका गुणा कर दीजिए, इजिली गुणा किस नंबर का हो सकता है, दो तिहाई छ और छक्का छत्तीस, छत्तीस गुणे सात गुणे चार प्लस वन, ठीक है। क्या करेंगे, फाइव सात का इसके साथ गुणा कर दीजिए तो सात छक बयालीस, बयालीस को दो हाथ गया चार और सात त्रिक इक्कीस, इक्कीस और चार पच्चीस इंटू फोर प्लस वन, ठीक है। फाइव इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो सात चार दुना आठ, पांच चौक बीस, बीस और बीस में कोई हासिल नहीं, बीस हासिल दो और चार दुना आठ, आठ दो दस और प्लस वन, ठीक है। ये आ गया तो फाइव वन वन एट और इसको ऐड कर देंगे एक हजार आठ में, एक प्लस करेंगे तो एक हजार नौ हो जाएगा, क्या होगा, एक हजार नौ। अब क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक इससे इंटू कर लीजिए तो नौ पचे पैंतालीस, कितना हो रहा है पैंतालीस। तो पैंतालीस का जो ये पैंतालीस नंबर है, ये पैंतालीस और इधर जीरो है तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो पैंतालीस से कितने फैक्टोरियल, थ्री से कट रहा है, फिर फाइव से कट रहा है, फिर नाइन से कट रहा है, फिर फिफ्टीन से कट रहा है, मतलब इसके ज्यादा फैक्टर है तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व होता है, इस क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा है, उस क्वेश्चंस की लाइन बहुत बड़ी है, उसको हम समझा देते हैं क्वेश्चंस में क्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है, एक खेल का क्या है, मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इसमें बोला गया है रवि 12 मिनट का समय लेता है, रवि इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और 12 मिनट का समय लेता है, ठीक है। और फिर एक है सोनिया, सोनिया इस पॉइंट से स्टार्ट करती है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर होगा। आप लोग निकाल के देखिएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इस क्वेश्चंस का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।